मोदी की तरह नहीं है कि भाई हम गरीब नहीं मानते हैं, अमीर मानते हैं, किसान मानते हैं, साधु मानते हैं, पूंजीपति मानते हैं, ये अपने मन से वर्ग बना रहे हैं। मोदी जी ने अभी हम लोगों का 3 लाख करोड़ रुपया जो है खा करके और जो है 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बारे में क्या बोलना है, उनका अपना कुछ है, उनके पास कुछ है नहीं, यही बोल बोल करके अपना बीजेपी के पास सामने TRP बनाए हुए हैं। वो झटका का मांस खाते हैं, अजब ही की बात करते हैं, दिन भर मांस खाते हैं और राम की पूजा करते हैं। बीजेपी का तो जंगल राज मंगल राज सब देख रहा है कि क्या मंगल राज है। मणिपुर में मंगल राज चल रहा है, मणिपुर में कौन देख रहा है? इनके पास मीडिया है, ये एक बिहार की घटना को 10 बार प्रचारित करते हैं। वो दयानिधि मारन का वीडियो 5 साल 7 साल पुराना चला रहे हैं। ये लोग तो अपना भाषण पर ही TRP बना रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। कई अटकलें लगाई जा रही हैं और मीडिया पर लगातार ये टीवी मीडिया अगर देख लें तो लगातार ये बात चल रही है कि JDU में फूट है। तो इसी तमाम चर्चाओं का हम आज जग नारायण सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही बता दीजिए, लगातार ये खबरें चल रही है कि JDU में फूट हो गई है, विधायक गुप्त मीटिंग कर रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, जब से JDU सत्ता में है 15-20 साल से फूट की न्यूज चलती रहती है, इसका कोई असर नहीं है। अभी तक हमारे पार्टी में कोई फूट हुआ है, कोई गुट बना है? 18 साल सत्ता में रहते हो गया बिहार में, कोई फूट और टूट नहीं हुआ है। कुछ इक्के दुक्के लोग चले गए, शरद जी से बड़ा कोई नेता नहीं था, शरद जी भी चले गए लेकिन फूट नहीं हो सकी। तो फूट का अफवाह का कोई जवाब नहीं है। हमारे पार्टी में आज तक फूट नहीं हुआ है। एक आध लोग चले गए पार्टी छोड़कर, वो अलग बात है, लेकिन फूट का आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है जनता दल यूनाइटेड का। ये फूट उट नहीं है, ये अफवाह है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो नीतीश कुमार का नाम दिया गया है उस पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए हैं अपनी ही पार्टी में, अपनी ही जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से, और इन सारी चीज़ों का परिणाम है कि वो खुद अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं। जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं और सुरक्षा की बात, ये गलत बात है। यदि असुरक्षा की बात रहती तो सर्वसम्मत से क्यों प्रस्ताव पास हो रहा है? पूरे पार्टी में सर्वसम्मत प्रस्ताव है और सर्वसम्मत प्रस्ताव से उनको अध्यक्ष बनाया गया। बहुत पहले मैंने उनसे कोशिश करके, आग्रह करके, लोगों ने कहा कि नहीं, आप इस कमान को संभालिए, इसलिए कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। और नीतीश कुमार जी 15 साल लोकसभा में रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों को संभाले हैं और देश में पूरे रेलवे का भी काम किए हैं, रेल मंत्री के रूप में 5 बजट पेश किए हैं। तो नीतीश कुमार का जो देश लेवल पर जो समझ है, बूझ है, संपर्क है, उसका फायदा जनता दल उठाने के लिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बनाया है। गिरिराज सिंह का बयान आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि अब नीतीश जी की विदाई होने वाली है, मान लीजिए ये बात। भाई, गिरिराज सिंह के बारे में क्या कहिएगा? वो झटका का मांस खाते हैं, अजब ही की बात करते हैं, दिन भर मांस खाते हैं और राम की पूजा करते हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बारे में क्या बोलना है? ये लोग तो अपना भाषण पर ही TRP बना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनको मंत्री बनाए रखें। तो गिरिराज सिंह के बारे में कोई खास चर्चा करना उचित नहीं है। उनका अपना कुछ है, उनके पास कुछ है नहीं, यही बोल बोल करके अपना BJP के पास सामने TRP बनाए हुए हैं। जनगणना, हाँ, इसलिए जोगी लोगों को उतारने से बिहार में और देश की राजनीति में हम लोग कोई अंतर नहीं समझते हैं। जातीय जनगणना बिहार में है, उसको लेकर तमाम बातें कही गई। BJP ने कहा कि तमाम पैसे बर्बाद कर दिए, इससे बेहतर होता अगर गरीबी का जनगणना करा लेते, देख लेते कितने लोग गरीब और अमीर हैं। जाति फैलाकर क्या मिला आपको? जाति जनगणना नहीं है, आप लोग प्रेस के लोग हैं, जाति आधारित गणना है। इसको जाति आधारित गणना कहते हैं। संविधान में जाति जनगणना कराने को हमको अधिकार नहीं है। हम जाति से आधारित गणना कराए हैं और उस गणना में हम आर्थिक आधार भी रखे हैं और इसीलिए 1 लाख से ज़्यादा लाखों परिवार गरीब है, उसको 2 लाख तत्काल हमने निर्णय लिया है कि 2 लाख उसको रोजगार करने के लिए हम पैसा देंगे और हम दे रहे हैं। मोदी की तरह नहीं है कि भाई हम गरीब नहीं मानते हैं, अमीर मानते हैं, किसान मानते हैं, साधु मानते हैं, पूंजीपति मानते हैं, ये अपने मन से वर्ग बना रहे हैं। तो हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, उस गणना का लबोलुभाव था, हम लोग को महसूस हुआ, आर्थिक गणना भी उसमें है। तो हम लोग जो लोग इच्छुक हैं, गरीब परिवार के लोग, 2 लाख रुपया उनको हम बिना इंटरेस्ट के दे रहे हैं कि तुम रोजगार धंधा अपना करो। और विकास के बारे में बात करिएगा, गुजरात का विकास दर 10.64% है
और बिहार का विकास भी 10.64% है, आप अखबार या उसके नेट से देख लीजिए। तो गुजरात पहले से एक व्यापारिक राज रहा है, संपन्न राज में उसकी सूची में है, तो उसका विकास दर 10.64 है और बिहार का भी विकास दर 6.64% है। ऐसा कैसे एक हो रहा है? बिहार तो गरीब राज है, आबादी ज़्यादा है, घनत्व आबादी का ज़्यादा है, और हमारे पास भौगोलिक जो स्थिति है 10-15 जिला जो है बाढ़ में डूब जाता है, 5-6 जिले में पानी नहीं रहता है, सूखा पड़ जाता है। तो इतनी विपरीत परिस्थिति में नीतीश कुमार ने विकास दर को कैसे हासिल किया, इसको समझने की जरूरत है। स्वामीनाथन कमीशन बना था एग्रीकल्चर में कृषि के लिए, तो स्वामीनाथन ने कहा कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन पंजाब की धरती पर हुई, पश्चिम में हुआ, और अगला जो ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा वो नॉर्थ ईस्ट में होगा, उत्तर पूरब में होगा, जिसका पिवोटल पॉइंट, जिसका केंद्र बिहार होगा। इसलिए हमारी सरकार ने पूरे गांव में बिजली और सड़क की व्यवस्था की है, और उस बिजली में हम किसानों को फ्री में बिजली दे रहे हैं, खेती के लिए, जलाने के लिए नहीं, व्यवसाय के लिए नहीं, लेकिन किसानों को हम फ्री बिजली दे रहे हैं, और उस फ्री बिजली के बदौलत हमारा उत्पादन बढ़ा है, और प्राइमरी सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था हमारी बढ़ी है, जिसका विकास दर 10.64% है। लेकिन मोदी के राज का, गुजरात का प्राथमिक क्षेत्र का विकास नहीं है, उसका टर्सरी है, उसका सर्विस सेक्टर का विकास है। मोदी जी ने अभी हम लोगों का 3 लाख करोड़ रुपया जो है खा करके, और जो है 5 किलो अनाज बांट रहे हैं। 30 जून 2017 को इस देश में GST लागू हुआ 12 बजे रात में, और 1 जुलाई से उसको प्रभावी माना गया, और तय था कि जिन राज्यों का जो आमदनी है उससे कम पैसा मिलेगा तो उतना क्षतिपूर्ति कंपनसेशन भारत सरकार देगी, और हमारे राज्य को वो क्षतिपूर्ति नहीं दे रही। हमारा आमदनी 5 लाख करोड़ है और GST से हमको 2.5 लाख करोड़ मिला, तो 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार को देना था, सारा पैसा काट करके और 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो हम लोग पैसा से अनाज बट रहा है। बीजेपी अभी भी कह रही है कि जंगल राज चल रहा है बिहार में। बीजेपी का तो जंगल राज, मंगल राज सब देख रहा है कि क्या मंगल राज है। मणिपुर में मंगल राज चल रहा है, मणिपुर में कौन देख रहा है उनका मंगल राज? हम लोग का जंगल कहीं राज नहीं है। बिहार में बिहार का अपराध का ग्राफ देख लीजिए और राजस्थान का देख लीजिए, उसका मिला लीजिए कि उनका NCR का, वो होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट क्या है। बिहार अभी अपराध में 22वां-24वां स्थान में है, और हमारे यहाँ अपराध लूटपाट नहीं हो रहा है, इंडिविजुअल मर्डर को दुनिया में नहीं रोका जा सकता है, और क्राइम फ्री सोसाइटी दुनिया में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की बात नहीं है जो ये प्रचार कर रहे हैं। इनके पास मीडिया है, ये एक बिहार की घटना को 10 बार प्रचारित करते हैं, वो दयानिधि मारन का वीडियो 5-7 साल पुराना चला रहे हैं, और कह रहे हैं कि दयानिधि मारन तमिलनाडु बोल रहे, 3-4 साल पहले का वीडियो चलवा रहे हैं, और कह रहे हैं कि तमिलनाडु का लोग बोल रहा है हिंदू धर्म के खिलाफ। तो आपने सुना तमाम सवाल हैं, और अभी जो है बैठक हो रही है, वहाँ पर तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।